अस्सलाम वालेकुम। गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन को मैं आज मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ये जो टी शर्ट्स का इनॉग्रेशन किए हैं, माशाल्लाह जितनी एंथुजियास्टिक टीम है उतने ही खूबसूरत उस टी शर्ट्स में सब लोग लग रहे हैं। मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कौम के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आप लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें कामयाबी अदा करे और बेहतर खिदमत आप लोगों से अल्लाह ताला ले। आज इसकी चूँकि टी शर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है, मैं दोबारा एनजीओ फेडरेशन ऑफ गुलबर्गा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। टुडे द इनॉग्रेशन ऑफ टी शर्ट्स ऑफ गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट टू द टीम, यंग एंड एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक टीम। They are doing extremely great work to the humanity. They are not looking at the caste, creed, religion. They are working like anything to our society to build. I would like to once again thank to the team, and they are doing mashallah extremely great work. We need to support this team to do wonderfuls in this COVID pandemic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aaj Gulbarga NGO Federations ke टी शर्ट इनाग्रेशन किए गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन में टोटल 22 एनजीओ काम कर रहे हैं। इसमें डे वन से हम कोशिश कर रहे हैं इस एनजीओ को एक साथ जोड़ने की, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टियों से लोग हैं, सबकी सोच अलग है, सबकी उम्र अलग है, तो उन सबको एक जैसा देखना। इस एनजीओ के अंदर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, ये जो सोच को लेकर चल रहे थे उसी के सिलसिले में आज जो है टी शर्ट लॉन्च की गई है। सारे मेम्बर्स को एक कलर में लेकर आना सबको, जैसे कि आप सभी जानते हैं वाइट कलर एक खुशी का पैगाम होता है, तो ये वाइट कलर ये एनजीओ को दिए हैं ताकि हमको जितनी परेशानी हो रही हैं, जो मुश्किलात हमारे सामने आ रहे हैं, उनको हंसी खुशी हम झेलें। एक एक फैमिली बन चुकी है गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन, और जिस तरीके से काम कर रही है लोगों की भलाई के लिए, लोगों के हक के लिए, चाहे एक ऑटो ड्राइवर हो, चाहे एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे लोकल का डॉक्टर हो, चाहे इंडिया के बाहर अन्य यूएसए के डॉक्टर हो, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और जितने भी लोग ये व्यूवर्स आपके ज़रिए से हमें देख रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे की हेल्प करें। जब हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी हम इस लड़ाई से जीतेंगे। और इस वर्गा एनजीओ फेडरेशन में हर जात के लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, यस्सी हो, ईसाई हो, सारे लोग मौजूद हैं। गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन की जानिब से आज ऑफिशियल्स जो टी शर्ट लॉन्चिंग सेरेमनी रखा गया था, इस टी शर्ट्स को हमारे सादत हुसैन साहब ने स्पॉन्सर किया है। आप सभी को मालूम है गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन एक 22 ऑर्गेनाइजेशन से ज़ायद ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लेटफॉर्म बना है, जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और दीगर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं। ये गुलबर्गा में लास्ट एक साल से, जिस टाइम पे कोविड आया था, जब से मुसलसल काम कर रही है, एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से गुलबर्गे में ये काम कर रही है। इसके अपने टोटल 9 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करने का एक डिपार्टमेंट है, बेड अवेलेबिलिटी का एक डिपार्टमेंट है, फूड एंड रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, उसके बाद अवेयरनेस टीम का एक डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ टोटल 9 डिपार्टमेंट है। और हमारे साथ डॉक्टर्स की भी एक टीम है जो गुलबर्गे के अवाम ऑनलाइन उनको फ़ोन कर कोविड के रिलेटेड उनके बारे में मालूम कर सकते हैं और उनका घर में बैठ कर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मेसी लोगों का भी एक हमारे पास एक ग्रुप है, तो गुलबर्गे में मुख्तलिफ एक 12 जगह पे हम ऐसे आइडेंटिफाई करके रखे हैं फार्मेसी, जो गरीब जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको होलसेल प्राइस में क्या लूँ ये कोविड के दवा देने का, वो हमारे साथ टाइप किए हैं। तो एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से एनजीओ फेडरेशन काम कर रहा है। मैं तमाम एनजीओ फेडरेशन में जो भी जिम्मेदार अलग अलग मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले दिनों में जब तक ये कोविड, जो कुछ लोग बोलते हैं कि तीन फेज़ में है, कुछ लोग बोलते हैं 5 फेज़ में है, कब तक ये कोविड एपिडेमिक ख़त्म नहीं होता, इंशाल्लाह ये एनजीओ फेडरेशन पूरा काम करते रहेगा।